नमस्कार दोस्तों, नव भारती परिवार में आप सबका स्वागत है। मैं रेणु वैद आज आपको कोठारी आयोग के बारे में बताऊंगी। पिछले वीडियो में हमने कोठारी आयोग के सुझावों के बारे में डिस्कस किया था। आज हम पढ़ेंगे कि शिक्षा के अवसरों में समानता के लिए कोठारी आयोग ने क्या क्या सुझाव दिए, शैक्षिक सुविधाओं का विस्तार करने के लिए कोठारी आयोग ने क्या क्या सुझाव दिए। कोठारी आयोग के बारे में पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था कि कोठारी आयोग जो बना, शिक्षा आयोग बना, वो 1964 से 1966 के बीच में बना। 1964 से 1966 के बीच में जो आयोग बना वो था कोठारी आयोग, और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे दौलत सिंह कोठारी। कौन थे? दौलत सिंह कोठारी। और इस शिक्षा आयोग में 17 सदस्य थे, 17 में से 6 विदेशी थे। ठीक है बच्चों, और कोठारी आयोग ने सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे यहाँ पर दिया वो दिया त्रिभाषा फॉर्मूला। क्या दिया? त्रिभाषा फॉर्मूला जो दिया वो कोठारी आयोग ने कहा कि प्री प्राइमरी स्कूल में मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। जो आपका स्कूल लेवल है वहाँ पर आपको स्थानीय भाषा में शिक्षा मिलनी चाहिए, और जो उच्च कक्षाएं हैं उनमें हिंदी व अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा मिलनी चाहिए, ऐसा कोठारी आयोग कहता है। और ये त्रिभाषा फॉर्मूला दे करके कोठारी आयोग ने शिक्षा के क्षेत्र में एक अभूतपूर्व कार्य किया और राष्ट्रीय लक्ष्य को हासिल करने का प्रयास किया। राष्ट्र में जो विविधता है उसको ध्यान में रखते हुए भारत में एकता किस प्रकार स्थापित हो सकती है, ये कोठारी आयोग ने त्रिभाषा फॉर्मूला दे करके सिद्ध कर दिया था। क्योंकि दक्षिणी भारत में क्षेत्रवाद की भावना दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी, क्षेत्रीय भाषाओं का विकास ज़्यादा हो रहा था, भेदभाव की नीति अपनाई जा रही थी, तो भारत में ऐसी शिक्षा की जरूरत थी जो भेदभाव रहित हो, सामान्य शिक्षा प्रणाली हो, जो दक्षिण उत्तर नॉर्थ पश्चिम सभी क्षेत्रों में कॉमन शिक्षा लागू करने के लिए कोठारी आयोग आया। कोठारी आयोग ने शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए भी सुझाव दिए। आप सब जानते हैं बच्चों, हमारा समाज विविधताओं से युक्त है। हमारा संविधान भी कहता है, हमारे संविधान की प्रस्तावना भी कहती है कि सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में जो असमानता है उस असमानता को कैसे दूर किया जाए। और आप सब जानते हैं बच्चों, अगर हमें सामाजिक और आर्थिक असमानता को दूर करना है, आय की विषमता को दूर करना है, तो हमें शिक्षा के क्षेत्र में जो समुदाय के लोगों को अवसर मिल रहे हैं उसमें भी समानता देनी पड़ेगी। उनको ऐसे अवसर प्रदान करने पड़ेंगे ताकि प्रत्येक बालक शिक्षित हो सके, कोई बालक निरक्षर नहीं बच सके। आप सब जानते हैं बच्चों कि आदिवासी इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, घुमंतु जातियाँ हैं, वहाँ के बच्चों को शिक्षा अवेलेबल नहीं है, तो उन बच्चों तक शिक्षा पहुँचाने के लिए शैक्षिक अवसरों की समानता आवश्यक है। आप सब जानते हैं कई बच्चे ऐसे हैं जिनके माता पिता विद्यालय शुल्क भी नहीं दे पाते हैं, ऐसे बच्चों के लिए शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए कोठारी आयोग ने क्या क्या सुझाव दिए वो देखिए। कोठारी आयोग ने कहा कि समुदाय के सभी वर्गों को समानता के अधिक अवसर प्रदान करना ही शैक्षिक अवसरों की समानता से संबंधित है। अब कहता है कि शिक्षा में शुल्क के बारे में कोठारी आयोग ने क्या कहा बच्चों। कोठारी आयोग ने कहा कि आगामी जो 10 वर्ष है उसमें निःशुल्क शिक्षा को 30% कर दिया जाए। मतलब ये है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अवेलेबल करवाने का प्रयास किया जाना चाहिए ताकि प्रत्येक बच्चा शिक्षित हो सके, उसको विद्यालय जाने का अवसर प्राप्त हो सके। इसके लिए कोठारी आयोग ने कहा कि विद्यालय में 30% जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा प्रदान किए जाने का प्रावधान हमारी शिक्षा नीति में होना चाहिए। पांचवी योजना के अंत तक ट्यूशन फीस जो बच्चों से ली जा रही है स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में, उस ट्यूशन फीस को समाप्त कर दिया जाना चाहिए, ये कोठारी आयोग कहता है।
कोठारी आयोग कहता है कि प्रारंभिक अवस्थाओं की जो चौथी योजना है उसके अंतर्गत किसी भी शुल्क को समाप्त कर देना चाहिए। कोठारी आयोग ये कहना चाहते हैं कि शिक्षा को निःशुल्क दिए जाने की परंपरा को लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि जिन बच्चों के पास में शिक्षा अवेलेबल नहीं है उन बच्चों को शिक्षा अगर उपलब्ध करवानी है तो विद्यालय शुल्क में कमी करनी पड़ेगी, ट्यूशन फीस में कमी करनी पड़ेगी और धीरे धीरे केंद्र सरकार द्वारा ऐसी योजनाएं लागू करनी पड़ेगी ताकि धीरे धीरे विद्यालय प्रवेश पर किसी भी प्रकार का कोई शुल्क वसूल नहीं किया जाए। अगर इस प्रकार हम करेंगे तो सभी बच्चों को शिक्षा के अवसर प्राप्त होंगे, सभी बच्चों को शिक्षा प्राप्त होगी और समानता के लिए अधिक उसको अवसर प्राप्त होंगे। तो शिक्षा में शुल्क के लिए ये कोठारी आयोग ने ये बात कही। अब बात आती है, कोठारी आयोग ने कहा कि केवल शिक्षण शुल्क में कमी करने से ही सही नहीं होगा कि सभी बच्चों को शिक्षा अवेलेबल हो जाए। शिक्षण शुल्क के साथ विद्यालय जाने के लिए बच्चों के पास में अन्य लागतों की भी आवश्यकता होती है। जैसे ये कहते हैं शिक्षण सामग्री और शिक्षक अध्ययन सामग्री की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है कि एक बच्चा जब स्कूल जाता है तो उसको कॉपी किताब पेंसिल सब चीज़ों की अध्ययन सामग्री की ज़रूरत होती है, तो उन ज़रूरतों को भी पूरा किया जाना आवश्यक है, ये कोठारी आयोग कहता है। उसके बाद आता है पाठ्य पुस्तकें व पुस्तकें खरीदने के लिए अनुदान। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के द्वारा पुस्तकें खरीदने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को अनुदान दिया जाना चाहिए, पाठ्य पुस्तक मंडलों को अनुदान मिलना चाहिए ताकि वो विद्यालय में निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध करा सके। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तक और लिखने की सामग्री को मुफ्त किया जाना चाहिए। कोठारी आयोग कहना है कि अगर हमें प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना है तो प्राथमिक स्तर पर जो भी पाठ्य पुस्तकें हैं और लिखने की सामग्री है वो मुफ्त में विद्यार्थियों को अवेलेबल होनी चाहिए, उपलब्ध होनी चाहिए। ठीक है, फिर आता है विद्यालय उत्सव पर पाठ्य पुस्तकें वितरित। और जो विद्यालय में पाठ्य पुस्तकें बच्चों को निःशुल्क मिल रही है उन बच्चों को निःशुल्क मिले इसके लिए उन्हें विद्यालय उत्सव पर पाठ्य पुस्तकों को वितरित किया जाना चाहिए। अन्य छात्रों, आप सब जानते हैं बच्चों कि हर बच्चा विद्यालय में 7 घंटे नहीं दे सकता, इसके लिए कोठारी आयोग ने अंशकालिक शिक्षा की व्यवस्था की है कि जो बच्चे स्कूल में नहीं आ सकते उनको स्कूल के समय से पहले या स्कूल के समय के बाद में पढ़ाने की व्यवस्था होनी चाहिए। मान लो वो तब भी नहीं पढ़ पाए तो गर्मियों की जब छुट्टी आती है तो उन बच्चों की जो पाठ्य पुस्तकें हैं ना जो पढ़ चुके हैं उन बच्चों की पाठ्य पुस्तकों से ही गर्मियों की छुट्टियों में उन बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए जो निरक्षर है, जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन परिस्थितियों के कारण पढ़ नहीं पाते हैं। उसके लिए कोठारी आयोग ने प्रौढ़ शिक्षा का प्रावधान किया है, अनौपचारिक शिक्षा का प्रावधान किया है, दूरस्थ शिक्षा का प्रावधान किया गया है। फिर उसके बाद आता है ये हो गया अन्य छात्रों को गर्मियों की छुट्टियों में पुस्तकें उपलब्ध करवाना। पुस्तक ग्रहों के कार्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा पुस्तक ग्रहों के कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। विश्वविद्यालय स्तर पर सभी विश्वविद्यालयों को सभी उच्च शिक्षा केंद्रों को पुस्तक ग्रह की स्थापना के लिए अनुदान दिया जाना चाहिए। UGC को भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को अलग से अनुदान दिया जाना चाहिए ताकि पुस्तक ग्रहों की स्थापना कर सके, पुस्तकालयों की स्थापना कर सके। पुस्तकालयों की स्थापना करना ही पर्याप्त नहीं है, हर विश्वविद्यालय स्तर पर बच्चे अगर शोध कार्य करते हैं, साइंस और गणित के क्षेत्र में आगे जाते हैं तो बच्चों को शोध कार्य करने के लिए सभी प्रकार की पुस्तकें उपलब्ध होना भी जरूरी है। तो पुस्तकालयों में पुस्तकें उपलब्ध करवाना, निःशुल्क उपलब्ध करवाना, कम शुल्क में उपलब्ध करवाना, ये कोठारी आयोग का सुझाव था ताकि जो बच्चा जिसके पास में शुल्क नहीं है उसको भी शैक्षिक समानता प्राप्त हो सके, वो भी ऐसी शिक्षा प्राप्त कर सके
जो आम आदमी की पहुंच में हो। मतलब ये है कि प्राचीन काल में शिक्षा कुछ लोगों तक सीमित थी, उस प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करने के लिए हमें अन्य लागतों को धीरे 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 करके माफ करना पड़ेगा। हमें शिक्षण सामग्री उपलब्ध करवानी पड़ेगी, हमें पाठ्य पुस्तकें और पुस्तकें खरीदने के लिए अनुदान देना पड़ेगा, प्राथमिक स्तर पर पुस्तकें व लिखने की सामग्री मुफ्त में उपलब्ध करवानी पड़ेगी, विद्यालय स्तर पर पाठ्य पुस्तकें वितरित करवानी पड़ेगी, अन्य छात्रों को गर्मियों में पुस्तकें अवेलेबल करवानी पड़ेगी, पुस्तक ग्रहों के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, UGC को अलग से अनुदान दिया जाए, सेकेंडरी व उच्च शिक्षा के लिए UGC की सहायता से पुस्तक बैंकों की स्थापना की जानी चाहिए। उच्च शिक्षा केंद्र और UGC को अलग से सेकेंडरी व उच्च शिक्षा के लिए UGC की सहायता से पुस्तक बैंक बनाए जाने चाहिए और 20% जो विद्यालय है, छात्र है, उनको पुस्तकें अनुदान में मिलनी चाहिए और पुस्तकालयों की स्थापना की जानी चाहिए, ऐसा हमारा कोठारी आयोग कहता है। अब बात होती है छात्रवृत्तियों की। हमारा कोठारी शिक्षा आयोग कहता है कि अगर बच्चों को शैक्षिक अवसरों की समानता उपलब्ध करवानी है, जो पिछड़े हुए हैं, आदिवासी इलाके से आए हैं, अपंग बालक है, शारीरिक विकलांगता के शिकार है, मानसिक विकलांगता के शिकार है, या आय की विषमता जहाँ पर है, जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, जिनके पास में उच्च शिक्षा करने के लिए शुल्क नहीं है, पैसे नहीं हैं, उन बच्चों के लिए कोठारी आयोग ने छात्रवृत्ति या प्रारंभ की जानी चाहिए, ऐसी बात कही है और कहा है कि हर बच्चे को जिसको छात्रवृत्ति चाहिए उस छात्रवृत्ति का शुल्क लेकर ही वो शिक्षा प्राप्त कर सकता है। उन छात्रवृत्तियों के प्रदान करने का जिम्मा एक प्रभावशाली संस्था को दिया जाना चाहिए, जो समय समय पर छात्रवृत्ति की आकांक्षाओं को देखते हुए, विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को देखते हुए छात्रवृत्तियां प्रदान कर सके, ऐसी प्रभावशाली संस्था होनी चाहिए। फिर आता है छात्रवृत्ति सभी बच्चों को इस तरह उपलब्ध करवानी चाहिए ताकि किसी भी बच्चे की पढ़ाई में बाधा ना हो, चाहे वो माध्यमिक स्तर की पढ़ाई हो, चाहे वो उच्च शिक्षा की पढ़ाई हो, चाहे वो विदेशों में अध्ययन कर रहा हो, तो ऐसी संस्था होनी चाहिए, ऐसी छात्रवृत्ति बच्चों को उपलब्ध होनी चाहिए ताकि उसके पढ़ने में किसी भी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न ना हो, ऐसा कहता है आपका कोठारी शिक्षा आयोग। उसके बाद आता है शिक्षा के सभी स्तरों पर संगठित। यहाँ पर कोठारी आयोग ये कहता है प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर और उच्च शिक्षा केंद्र, तीनों स्तरों पर छात्रवृत्तियां प्रदान की जानी चाहिए और इस प्रकार छात्रवृत्तियों का संगठन किया जाना चाहिए ताकि शैक्षिक अवसरों की समानता मिल सके। फिर आता है उच्च शिक्षा पर प्रथम प्रकार की छात्रवृत्तियां। उच्च शिक्षा पर जिनके अच्छे अंक आते हैं, जो बच्चे पिछड़े हुए हैं, जो बच्चे अभावग्रस्त है, उन बच्चों को क्या प्रथम प्रकार की छात्रवृत्ति उच्च स्तर पर उपलब्ध करवानी चाहिए। छात्रवृत्तियों की संख्या को बढ़ाया जाना चाहिए धीरे 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 धीरे। केंद्र सरकार द्वारा अपने बजट में शिक्षा से संबंधित जो छात्रवृत्तियां प्रदान की जा रही है, जो संस्था प्रदान की जा रही है, उस संस्था को अनुदान भी प्रदान किया जाना चाहिए। फिर आता है स्कूल स्तर पर 30% छात्रवृत्ति दी जानी चाहिए, कॉलेज स्तर पर 50% छात्रवृत्तियां दी जानी चाहिए और प्रति वर्ष 500 छात्र ऐसे सेलेक्ट होने चाहिए जो विदेशों में अध्ययन कर रहे हो, जिनको वास्तव में छात्रवृत्ति की आवश्यकता है। इन 500 विद्यार्थियों को सेलेक्ट करके उनको छात्रवृत्तियां प्रदान की जानी चाहिए, ऐसा कोठारी आयोग कहता है। क्या कहता है कोठारी आयोग कि अलग से विभाग होना चाहिए, छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए विद्यार्थियों की आकांक्षाओं और आवश्यकताओं को समझने के लिए एक अलग से विभाग होना आवश्यक है। उसके बाद छात्रवृत्ति प्रदान करने का जिम्मा एक प्रभावशाली संस्था को सौंपा जाना चाहिए, पढ़ाई में कोई बाधा नहीं हो, ऐसी छात्रवृत्ति बच्चों को उपलब्ध होनी चाहिए,
शिक्षा के सभी स्तरों पर छात्रवृत्ति को संगठित किया जाना चाहिए। उच्च स्तर पर प्रथम प्रकार की छात्रवृत्ति की संख्या में धीरे धीरे बढ़ोतरी होनी चाहिए। स्कूल स्तर पर 30% और कॉलेज स्तर पर 50% छात्रवृत्ति की व्यवस्था की जानी चाहिए। लेकिन आज भी क्या, जब कोठारी शिक्षा आयोग ने सिफारिश की तो प्राथमिक स्तर पर जो छात्रवृत्तियां दी जा रही थी उनकी संख्या में कमी थी। माध्यमिक स्तर पर भी छात्रवृत्ति कम दी जा रही थी। प्रतिवर्ष 500 छात्रों का सिलेक्शन होना चाहिए जो विदेशों में अध्ययन कर रहे हैं, उन बच्चों को भी छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए, ऐसा कोठारी आयोग कहता है। अब आता है बच्चों, छात्रवृत्ति जो है उसको 3 भागों में बांटा किसने, कोठारी आयोग ने। कोठारी आयोग ने कहा कि छात्रवृत्ति विश्वविद्यालय छात्रवृत्ति, राष्ट्रीय छात्रवृत्ति और व्यावसायिक छात्रवृत्ति, इन 3 छात्रवृत्तियों में इन छात्रवृत्ति योजना को विभाजित किया गया। विश्वविद्यालय छात्रवृत्ति ने कहा कि जो बच्चा स्नातक स्तर की शिक्षा प्राप्त कर रहा है तो स्नातक स्तर के जितने विद्यार्थी हैं उसके 10% विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। ये कौन कह रहा है, ये कोठारी शिक्षा आयोग कह रहा है। इसके अलावा ये कह रहा है कि जो बच्चा स्नातक पास करने के बाद स्नातकोत्तर की शिक्षा ग्रहण करता है उन बच्चों में कुल बच्चों के 20% छात्रों को छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए। ये कौन कह रहा है, ये कोठारी शिक्षा आयोग कह रहा है। इसके बाद आता है बच्चों राष्ट्रीय छात्रवृत्ति। नेशनल लेवल पर किनको स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए, देखो बच्चों ये कहा गया कि 1975 और 76 में जितने बच्चे पास आउट हुए हैं उन बच्चों के 5% बच्चों को छात्रवृत्ति सुविधा मिलनी चाहिए, ये कोठारी शिक्षा आयोग कहता है। इसके अलावा 1985 और 86 तक ये जो छात्रवृत्ति दी जा रही है उसको 10% कर दिया जाना चाहिए, ऐसा कोठारी शिक्षा आयोग कहता है। अब बात आती है बच्चों व्यावसायिक शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति। तो इसके लिए आप जानते ही हो कि जो आपका कोठारी शिक्षा आयोग आया, कोठारी शिक्षा आयोग ने सबसे ज्यादा व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया कि जनबल की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ऐसी शिक्षा बच्चों को दी जाए ताकि वो आगे जाकर जीविकोपार्जन बन सके, उसके रहन सहन में अंतर आ सके, ऐसी शिक्षा बच्चे को मिलनी चाहिए। और अगर कोई बच्चा व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करता है तो विद्यालय स्तर पर 30% छात्रों को छात्रवृत्ति सुविधा मिलनी चाहिए। जो भी व्यावसायिक शिक्षा ले रहे हैं उन बच्चों के कुल बच्चों के 30% बच्चों को छात्रवृत्ति सुविधा मिलनी चाहिए। इसके अलावा कॉलेज लेवल पर जो बच्चे अध्ययन कर रहे हैं उनको 50% छात्रवृत्ति की सुविधा मिलनी चाहिए, ऐसा कोठारी शिक्षा आयोग कहता है। तो आपने कोठारी शिक्षा आयोग ने शिक्षा के अवसरों में समानता प्राप्त करने के लिए हर बच्चे को शिक्षा प्राप्त हो इसके लिए कोठारी शिक्षा आयोग आया 1966 में और इसी कोठारी आयोग की सिफारिशों के तहत भारत की प्रथम राष्ट्रीय नीति 1968 में बनी जिसमें कोठारी शिक्षा आयोग के सभी सुझावों को स्वीकार कर लिया गया। तो कोठारी शिक्षा आयोग 1964 में आया, 29 जून 1966 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। दौलत सिंह कोठारी इसके अध्यक्ष थे, इसीलिए दौलत सिंह कोठारी को के नाम पर इस शिक्षा आयोग का नाम कोठारी आयोग रखा गया था। अब बात आती है बच्चों कि इसने कहा कि शिक्षा के शुल्क में कमी करेंगे, लागत शिक्षा के शुल्क में कमी की जाएगी, अन्य प्रकार की जो लागतें विद्यालय प्रवेश में आ रही है उन लागतों को अगर सरकार उसका वहन करे तो भी हम शैक्षिक अवसरों की समानता स्थापित कर सकते हैं। अगर छात्रवृत्ति सुविधा बच्चे को उपलब्ध हो, विश्वविद्यालय स्तर पर छात्रवृत्ति दी जाए, राष्ट्रीय स्तर पर बच्चे को छात्रवृत्ति दी जाए, व्यावसायिक शिक्षा के लिए अगर बच्चे को छात्रवृत्ति दी जाए तो हम शैक्षिक अवसरों की समानता के स्तर को प्राप्त
कर सकते हैं। अब बात आती है बच्चों स्त्री शिक्षा। स्त्री शिक्षा की अगर हम बात करें बच्चों, तो इन्होंने कहा कि स्त्रियों की शिक्षा के लिए, स्त्रियों को अगर शिक्षित करना है तो आप सब जानते हैं कि हमारा संविधान भी स्त्री शिक्षा पर जोर देता है। हमारा संविधान के नीति निर्देशक ये कहते हैं कि हर व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, समान कार्य के लिए समान वेतन की सुविधा स्त्रियों को अवेलेबल होनी चाहिए, और इसके लिए हर राज्य में लड़कियों और महिलाओं की रक्षा के लिए अलग से विभाग होना चाहिए। और आप सब जानते हो सर्व शिक्षा अभियान के तहत इनको शारीरिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है, ताकि ये गलत गतिविधियों की शिकार ना हो सके। तो एक शारीरिक टीचर होता है, और लड़कियों को पढ़ाने के लिए लेडीज टीचर की भी व्यवस्था हमारी सरकार करती है। और इन स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई ऐसे व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान सरकार द्वारा खोले जाए। तो स्त्री शिक्षा के लिए क्या क्या होना चाहिए, देखो स्त्री शिक्षा के लिए कोठारी शिक्षा आयोग ने कहा कि इनको व्यावसायिक प्रशिक्षण मिलना चाहिए, व्यावसायिक प्रशिक्षण मिलना चाहिए, ताकि स्त्री और पुरुष दोनों को समान माना जाए। विशेष प्रशिक्षण शिविर लगाए जाने चाहिए। स्त्री और पुरुषों की, स्त्रियों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए अलग से विभाग होना चाहिए, ताकि अगर इनका कहीं पर भी शोषण होता है तो उनका बचाव किया जा सके। आज आप जानते हो इसी कोठारी आयोग की सिफारिश के आधार पर सर्व शिक्षा अभियान जो आया, जिसमें प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण किया गया। इस SSA के कार्यक्रमों के तहत आत्मरक्षा शिविर का आयोजन किया गया, आत्मरक्षा सबल योजना। ये सब क्या थी, ये सब यही थी कि स्कूल में एक ऐसे शारीरिक टीचर होगा जो वहां के किसी शारीरिक प्रशिक्षित व्यक्ति को बुला करके वहां की लड़कियों को क्या दिया जाएगा, प्रशिक्षण दिया जाएगा। पंचायती स्तर पर भी महिलाओं को प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया गया। इसके अलावा गांव में कई ऐसे व्यावसायिक प्रशिक्षण महिलाओं को दिए जाए, ताकि वो आत्मनिर्भर हो सके। और अगर महिलाएं आत्मनिर्भर होगी तो वो शिक्षित होगी, और शिक्षित होगी तो आगामी जो भविष्य, जो हमारे अध्ययन कक्षों में है भारत के भाग्य निर्माता, जो कोठारी जी का सपना था वो सफल होगा। वैज्ञानिक क्षेत्र में अनुसंधान बढ़ेंगे और हमारे देश का राष्ट्रीय विकास होगा, ये कोठारी शिक्षा आयोग कहता है। अब आता है बच्चों पिछड़े व आदिवासी इलाके। आप सब जानते हैं पिछड़े व आदिवासी इलाकों में विद्यालय नहीं है, और जहां पर विद्यालय है वहां पर आवासीय विद्यालय नहीं है। तो कोठारी शिक्षा आयोग ने कहा कि पिछड़े और आदिवासी इलाकों के लिए विद्यालयों की व्यवस्था की जानी चाहिए, रोजगार के साधन उनको अवेलेबल करवाने चाहिए, वहां का जो हाथकरघा उद्योग है उसको विकसित किए जाने के लिए सरकार द्वारा प्रयास किए जाने चाहिए, आवासीय विद्यालय वहां पर खोले जाने चाहिए, बच्चों को वहां पर निशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवानी चाहिए, ताकि पिछड़े व आदिवासी क्षेत्रों का विकास हो सके और वो समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके। अपंग बालकों की शिक्षा, आप सब जानते हैं कोठारी शिक्षा आयोग ने भी इस बात को कहा कि जो अपंग बालक है उनके लिए छात्रवृत्तियों की व्यवस्था होनी चाहिए, मेडिकल सुविधाओं की व्यवस्था की जानी चाहिए, उनको विशेष प्रकार की छात्रवृत्तियां प्रदान की जानी चाहिए, ट्रांसफर जो आपका परिवहन शुल्क है वो उनसे वसूल नहीं किया जाना चाहिए, अपंग बालकों को जो विशेष सुविधाएं चाहिए वो उनको अवेलेबल करवानी चाहिए, उनको पढ़ाने के लिए विशेष प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति की जानी चाहिए। ये आपके अपंग बालकों की शिक्षा के अंतर्गत कोठारी शिक्षा आयोग ने ये सब सुझाव दिए। तो कोठारी शिक्षा आयोग ने शैक्षिक अवसरों की समानता स्थापित करने के लिए स्त्री शिक्षा पर बल दिया, पिछड़े व आदिवासी जातियों की शिक्षा पर बल दिया, अपंग बालकों की शिक्षा पर भी कोठारी शिक्षा आयोग ने जोर दिया है। और इन सब चीजों का करके, छात्रवृत्तियां प्रदान करके, अन्य लागतें उपलब्ध करवा करके, पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करवा करके, हम शैक्षिक अवसरों की समानता को स्थापित कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने कोठारी शिक्षा आयोग की शैक्षिक अवसरों की समानता स्थापित करने के लिए
क्या क्या किया जा सकता है, कोठारी शिक्षा आयोग ने इसके लिए क्या क्या सुझाव दिए, ये सब पढ़ा। आगे आने वाले वीडियो में हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का अध्ययन करेंगे। कोठारी शिक्षा आयोग के बारे में जो भी मैंने आपको बोर्ड पर लिखवाया है उसको शॉर्ट नोट्स में लिखे हैं, आप इनको कॉपी में नोट डाउन करते जाइए। और आप चाहते हैं मैं इसी तरह से आपके लिए वीडियो बनाती रहूं तो आप नव भारती स्टडी सर्कल चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक्स कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन के बटन पर क्लिक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जितने ज्यादा आप कमेंट्स दे सके कमेंट दे ताकि मैं आपके लिए वीडियो बनाती रहूं। और आप जो सेकंड ईयर के बीएड सेकंड ईयर के जो विद्यार्थी है उनके लिए कोठारी शिक्षा आयोग इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा आप यूजीसी नेट का एग्जाम देते हैं, इसके अलावा आप सीटेट का एग्जाम देते हैं, रीट का एग्जाम देते हैं, उन सब में कोठारी शिक्षा आयोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आपको कोठारी शिक्षा आयोग को ध्यान से पढ़ने के लिए, उसका लाभ उठाने के लिए मेरा वीडियो देखें। धन्यवाद।